नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकारी भर्ती संबंधी बड़ी अपडेट। हाँ दोस्तों, यदि आप रोज़गार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश में समूह 4 में वैकेंसी निकाली गई है, जो बम्फर भर्ती है दोस्तों, 3000 प्लस पदों पर आवेदन निकाली गई है, जल्दी करें आवेदन। हाँ दोस्तों, इसके बारे में बताऊँगा क्या योग्यता और अंतिम तारीख क्या है, तो पूरे वीडियो देखिए दोस्तों और बने रहिए। यदि चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे इसमें आप देख सकते हैं पत्र भरने की समय विधि ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन भरने की प्रारंभ तिथि है दोस्तों 6/3/2023, भरने की अंतिम तिथि है 20/3/2023, भरने के लिए कुल दिवस 15 दिवस है। संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है दोस्तों 6/3/2023 से आप संशोधित कर सकते हैं, और अंतिम तिथि है 25/3/2023, जिसमें संशोधन का अंतिम तिथि है, करने के लिए कुल 20 दिवस है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दोस्तों, 2 पाली में परीक्षा होगी, 5 अगस्त से पेपर स्टार्ट होंगे जो शनिवार को होगा, और अवधि 2 घंटे रहेंगे, प्रातः 9 बजे से 11 तक होगा, दोपहर में 3 से 5 बजे तक पेपर होगा, अधिकतम अंक 100 रहेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नों की संख्या 1, पत्रों की संख्या 1 है। आरक्षित वर्गों के लिए फीस 500 और पिछड़े वर्ग या आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये, और दिव्यांगों के लिए 250 रुपये है। कि उसके माध्यम से भरने पर 60 रुपये, कि उसके माध्यम से न भरने पर 20 रुपये दिया जाएगा। जो तो अधिक जानकारी के लिए आप www.esb.mp.gov.in पर आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ये परीक्षा शहर है दोस्तों, यहाँ पे आप सेंटर ले सकते हैं। देखिए पदों का नाम दिया गया है, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टोन पेस्ट शीघ्र लेखन एवं पदों की सीधी भर्ती, और सीधी भर्ती व्यक लाख हेतु भर्ती परीक्षा 2023 दोस्तों। इसमें तृतीय श्रेणी की भर्ती है। इसमें देखिए आप प्रश्न पत्र की संख्या 1 है, कुल अंक 100 अंक का आएगा, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान अभिरुचि होगा दोस्तों, जिसमें 100 नंबर का आएगा। और आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें योग्यता की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको जिस सब्जेक्ट में जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपकी पूरी होने अनिवार्यता होगी, मतलब उसमें क्या हो, शैक्षणिक तकनीक व्यावसायिक अहर्ताएँ पूरी करनी होगी या अनिवार्य होगा। आप जैसे देख रहे हैं पढ़ भी सकते हैं, अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास उत्तीर्ण किए हो और उसके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा या कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, और चाहे UGC मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त किया हो, इसके बाद वह ITI यानी NCVT से किया हो, SCVT से किया हो, कोपा किया हो, तो आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों उसके पास BE, MCA, BCA, MSCA आदि है तो भी आवेदन कर सकते हैं, और इसके साथ दोस्तों कंप्यूटर साइंस किया है तो भी आवेदन कर सकता है, और BSc BCOM या अन्य उपाधियों जिनमें केवल कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है वो मान नहीं होगा, जैसे आप BSc CS के वो मान नहीं होगा। इसके साथ दोस्तों मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा हिंदी टाइपिंग 200 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 300 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण हो, मतलब CPCT उसके पास होना चाहिए। पोस्ट हैं जो बैगा सहारिया एवं भारिया जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया है, जिसमें दोस्तों वो हार्ड कॉपी या सीधी लिफाफे द्वारा आवेदन भेज सकते हैं, उनके लिए छूट दिया गया है कुछ पोस्टों पर। तो अनुसूचित जनजाति भाइयों से निवेदन है कि इस पोस्ट में ज़रूर आवेदन करें, ऑफलाइन आवेदन है, और आप रोज़गार प्राप्त करें। यदि बैगा सहरिया भारी जनजाति समुदाय के अभ्यर्थी भी हो जाती तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विलेखन विद्यमान रहेगा। यहाँ दोस्तों आप ऑफलाइन भर सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। यदि आपको पद पूरा है तो आप जनरल पोस्ट से भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी, अच्छी जानकारी लगी दोस्तों लाइक शेयर पोस्ट जरूर कर दें, और चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नई नोटिफिकेशन आपके पास भेज सकूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।